हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है पुष्पेंदु और आप देख रहे हो पेंटिक। सो फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह का बहुत सारे खराब एलईडी इकट्ठा हो जाता है और उसमें से बेसिकली एलईडी ड्राइव, एलईडी पैनल ही खराब होता है। ज्यादातर केसेस में एलईडी ड्राइव ही खराब हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से घर में एक एलईडी ड्राइव बना सकते हैं और इस खराब एलईडी को दोबारा कैसे जला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस खराब एलईडी लैम्प को ले लिया और ये एक रिचार्जेबल एलईडी लैम्प है, तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। तो देख सकते हो इसके अंदर एक एलईडी ड्राइव और एक एलईडी पैनल और एक बैटरी है। तो चलिए इसका सारे पार्ट्स को पहले अलग कर लेते हैं। हो गया, तो अब मैं यहाँ पर इस पीएफ कैपेसिटर को यूज़ करने वाला हूँ और ये 400 वोल्ट और 335 जे का है और ज़्यादातर केसेस में ये खराब नहीं होता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको 335 जे का कैपेसिटर नहीं मिला तो 100 जे के आसपास दो पीएफ कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़कर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इसको मैंने निकाल लिया। आप चलिए यहाँ पर एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टर ले लेते हैं और ये क्वार्टर वाट का है, आप चाहो तो यहाँ पर हाफ वाट का भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर इसको पीएफ कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जोड़ दूंगा। तो फिर देख सकते हो यहाँ पर मैं चारों डायोड को जोड़कर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया। आई होप आप लोगों को रेक्टिफायर बनाना आता होगा, फिर भी चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर दो डायोड का एनोड को एक साथ जोड़ दिया और यहाँ पर दो डायोड का कैथोड को एक साथ जोड़ दिया और साइड में बचे हुए सारे पिनों को एक साथ जोड़ दिया। इस पिक्चर को देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर रेक्टिफायर में डायोड का एनोड और कैथोड जिस साइड में जुड़ा है उस साइड को पीएफ कैपेसिटर के साथ जोड़ दूंगा। यह तक तो हो गया। आप एक कैपेसिटर लूँगा 10 माइक्रोफैरड और 250 वोल्ट का और देख सकते हो इसका सफ़ेद वाला साइड नेगेटिव और दूसरे साइड पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन को दो डायोड की एक कैथोड पिन जुड़ा हुआ है उस साइड पर और कैपेसिटर का नेगेटिव पिन को दो डायोड की एनोड पिन जुड़ा हुआ है उस साइड पर सोल्डिंग कर दूंगा। सो फ्रेंड, देख सकते हो अब ये एलईडी ड्राइवर लगभग कम्प्लीट हो गया। तो चलिए अब इसके साथ एलईडी पैनल को जोड़ते और एसी सप्लाई देकर देखते। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और आप इस चैनल पर नया हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट वायर पॉजिटिव है और ब्लैक वायर नेगेटिव है और इसका कनेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। बस कैपेसिटर का पॉजिटिव वायर जहाँ पर जुड़ा हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव वायर को और कैपेसिटर का नेगेटिव पिन जहाँ पर जुड़ा हुआ है वहाँ पर नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर देना है। हो गया, बस अब इस दोनों पिन पर एसी सप्लाई देना है। तो उसके लिए मैं इस लैम्प का कवर को यूज़ करने वाला हूँ और लैम्प होल्डर की मदद से इसको पावर सप्लाई दूंगा। हो गया, तो चलिए इसको एक बार पावर सप्लाई देकर टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं स्विच को ऑन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो एलईडी पैनल ग्लो नहीं कर रहा है, लगता है ये भी खराब हो गया। तो फिर चलिए इसको हटाकर दूसरे एक पैनल को लगा लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर 12 वाट का पैनल को ही लगाना, क्योंकि इस ड्राइव 12 वाट का पैनल को अच्छे से चला सकते हैं। हो गया, तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं स्विच को ऑन करने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो अब ये बहुत अच्छे से जल रहा है। यहाँ पर लैम्प होल्डर थोड़ा सा खराब है इसलिए लूज़ हो रहा है, बाकी ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो चलिए पहले इसको लैम्प के अंदर अच्छे से फिट कर लेते हैं और दीवारों पे अच्छे होल्डर पे लगा कर टेस्ट करते हैं।
दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो पेंटोक को जरूर फॉलो करना, वहाँ पर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का फोटो, वीडियो और मेरा पर्सनल फोटो भी पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं इस पैनल को चिपकाने के लिए डबल टेप का यूज़ करने वाला हूँ। हो गया तो चलिए अब इसका ऊपर का कैप को लगा देते हैं और इसको दीवारों पे अच्छे होटल पे लगाकर टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है। हाँ इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, इससे इसका फायदा है ये बहुत लॉन्ग लाइफ होगा, जल्दी से खराब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए इसका कैप को एक बार खोलकर दिखा देती हूँ ताकि आपको वीडियो फेंक ना लगे। तो दोस्तों देख सकते हो वही लाइट है, वीडियो बिल्कुल भी फेंक नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।